देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अनुमान जताया जा रहा है कि केरल में 27 मई को मॉनसून आ जाएगा। इन सबके बीच आज कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। स्काई मेट वेदर के अनुसार आज तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, गोवा, तेलंगाना आदि के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में लंबे समय से भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्य हीट वेव के कहर से जूझ रहे हैं तो दिल्ली समेत कुछ जगह पर तापमान में कमी देखी गई। मौसम विभाग यानी IMD ने आज के लिए बिहार और झारखंड में हीट वेव की गंभीर स्थिति होने का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। गुजरात के अहमदाबाद में भी आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। देहरादून का आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जयपुर की बात करें तो यहां का मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं बिहार में आज हीट वेव चलने वाली है। पटना का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। आलम यह है कि तापमान 49 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस बार की गर्मी को देखते हुए बाड़मेर के जिला प्रशासन ने अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश जारी किया है।